नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही सरल देखिए प्रश्न लाए हैं। प्रश्न कह रहा है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। और देखिए पहला कह रहा है HNO3 और CaOH का होल ट्वाइस एरो के बाद CaNOH का NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। देखो एक एक हल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से इसको संतुलित करना है, बाकी कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। देखिएगा आप जान चुके होंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल से देखिएगा, यहाँ पर NO3 है और यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस है, तो इसको बराबर करने इसके पहले हम दो लगाएंगे। इसके पहले जब हमने दो लगा दिया तो देखिएगा क्या हो गया, ये तो बराबर हो गया, CA अकेला है ये भी बराबर हो गया। अब देखिए H हो गए दो और दो चार, यहाँ पे हैं दो इसलिए इसके पहले भी दो लगाएंगे। अब देखते क्या होता है, दो दो चार हो गए और दो चार हो गए, ठीक है। अब इतना बराबर हो चुका था, इसका ओ नहीं जुड़े जोड़ेंगे, यहाँ पे दो ओ हैं, दो इक्कन दो हैं, यानी कि ये हमारा इतना बराबर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे Na अकेला है, यहाँ पे Na2 है, तो इस 2 को बराबर करने के लिए यहाँ पे दो लगा देंगे। तो Na2 हो गया, ये भी दो से गुणा कर दी, यहाँ पे दो हो गया। SO4 हमारा अकेला है, SO4 हमारा अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे H2 है और एक 3 है यहाँ पे, लेकिन दो ओ है, यहाँ पे सिंगल ओ है, इसको ओ बराबर करने यहाँ पे दो लगाएंगे, तो दो दूनी ये चार हो गए और दो इक्कन दो और दो ये वाले चार इधर भी हो गए और ओ ये वाले दो इक्कन दो, दो इक्कन दो ये भी हो गया, यानी ये भी हमारा बराबर हो गया। अगला देखते हैं, देखो कह रहा है Na अकेला है, Na अकेला है, NO3 और Ag अकेला है, Ag अकेला है, Cl अकेला है, Cl अकेला है। देखिए इस प्रश्न ने हमको मूर्ख बनाया है, यानी ये पहले से ही संतुलित है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, Ba अकेला है, Ba अकेला है, SO4 अकेला है, SO4 अकेला है, H2 है और Cl2 है और HCl यहाँ अकेला है, इसलिए इसके पहले दो लगा देंगे, दो H हो गया, दो H हो गया, Cl भी दो हो गया और Cl भी दो हो गया, यानी ये भी हमारा बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला है ये C6 है और यहाँ पे C अकेला है, तो इसीलिए सबसे पहले इसके पहले छः लगाएंगे, तो छः, तो यहाँ पे छः कार्बन हो गए। ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे 6 × 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन खाली 6 है, 6 × 12। तो एक सेकेंड पहले H भी देख लेते हैं, यहाँ पे H इधर कितना है, यहाँ पे H है हमारा, यहाँ पे H 12 है, यहाँ पे H 2 है, तो 2 यानी 6 × 12। अब देखते हैं गुणा करके क्या होता है, यानी कि 6C ख़त्म और 6 × 12 H 12 ख़त्म, ओ इधर कितने हैं, इधर हैं 6 × 12 और 6 × 6 = 12, 6 = 18, 18 और इधर कितने हैं 6, यानी 12 और चाहिए, तो इसके पहले हम 6 लगाएंगे, 6 × 12 और 6 = 18 इधर भी हो गए, 6 × 12 और 6 × 6 = 18 इधर भी हो गए। अब इसको देखते हैं, Na अकेला है, Na अकेला है, C2 है, 1C 1C 2C हो गए, O अकेला है, O अकेला है, H 5 6 हैं इधर, 1 3 2 5 और 1 6 7 हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार इसमें 2 से गुणा करके देख लेते हैं। अब इसको 2 से जब गुणा किया है तो ये देखो Na भी 2 हो गया, यहाँ पे Na भी 2 कर लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं ये कि यहाँ पे C जो है वो हो गया है 1 और 1 2 × 4, यहाँ पे 2 है, तो इसके पहले भी 2 लगाते हैं। अब देखते हैं इधर क्या चक्कर है, फिर बाद में हम इस H का उसी हिसाब से कुछ करेंगे। तो 2 Na हो गया, 2 Na हो गया, C 4 हो गया, 1 1 2 × 4 हो गया और O 2 है, O यहाँ पे 2 हो गया, H है हमारा 5 6 × 12 इधर है, 3 × 5 × 10 और 2 × 12, ये तो बराबर हमको लगने लगा है अब, और जब बराबर लगने लगा है तो बराबर ही होना चाहिए, आपको अगर लग रहा है बराबर है तो ओके, यानी देखिएगा 2 Na 2 Na, C 2 × 4, 1 2 × 4,
एच पाँच एक छः और दूनी बारह, एच दो और तीन पाँच दूनी दस और दो बारह, यानी कि ये हमारे सब संतुलित हो गए। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसा लगा सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।